उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक यानी कि मंडे मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान घर घर तक पोषण संदेश पहुंचाने की शपथ भी दिलाई गई। उपस्थित जनों ने सही पोषण देश राशन का नारा सार्थक करने और पौष्टिक आहार, साफ पानी और साफ प्रथाएं अपनाने के प्रति लोगों को जागरूक करने की प्रतिज्ञा भी ली। महिला एवं विकास विभाग द्वारा सितंबर के महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जन आंदोलन एवं सामुदायिक जुटाव पोषण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक घटक हैं। इस बार पोषण माह में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों और उनके कुप्रबंधन तथा पोषक तत्वों से भरपूर पौधे लगाने के लिए पोषक वाटिकाएं बनाए जाने, बच्चों को जन्म से ही 1000 दिनों के लिए अच्छे पोषण के रूप में स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा युवा महिलाओं व बच्चों में खून की कमी को दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गतिविधियों पर मुख्य रूप से केंद्र किया जाएगा। उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश प्रसारित करें। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कार्यों की समीक्षा भी की गई। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण से जुटे छिटपुट मुद्दों से संबंधित विभिन्न औपचारिकताएं समय रहते पूर्ण करने के निर्देश कॉलेज प्रबंधन को भी दिए। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय परिसर के समीप पार्किंग कार्य को गति देने तथा भाषा संस्कृति विभाग के माध्यम से निर्मित किए जाने वाले संग्रहालय के लिए भूमि आवंटित संबंधित औपचारिकताएं शीघ्र पूरे करने के भी निर्देश दिए। बैठक में खनन विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि गत सप्ताह जिला में अवैध खनन से जुड़े विभिन्न मामलों में 9 चालान काटे गए। उपायुक्त ने कोविड-19 महामारी के प्रसारण को फैलने से रोकने तथा लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर बचाव व सावधानियों से संबंधित प्रचार प्रसार करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय प्रशासन को भी दिए।